नमस्कार, मैं हूं अभी वर्मा और आप देख रहे हैं ग्वालियर इंपैक्ट। मेरे पीछे आप ये जो मॉडल देख रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सड़क भी है, गार्डन भी है, यहाँ पर ये फोर्ट का इन्होंने 3D व्यू इसमें बनाया हुआ है। और ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है क्या, किस बारे में है, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। स्मार्ट सिटी के अंदर बने इंक्यूबेशन सेंटर में कई सारे स्टार्टअप में से एक स्टार्टअप जिसका नाम है On2.Genesis के फाउंडर्स प्रियांशी और अभिषेक से। तो दोनों लोग प्लीज इधर आ जाओ, दोनों से ही बात करेंगे हम लोग। पहले तो ये बताओ कैसे हो? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। ये बताओ, अब मैं हम लोग इस प्रोजेक्ट की बात करते हैं, ये जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये किस चीज़ का प्रोजेक्ट है, क्या है इसके अंदर, क्या दिखाना चाहते हैं? एक्चुअली स्मार्ट सिटी जो स्मार्ट सिटी ग्वालियर है, उन्होंने हमको ये प्रोजेक्ट दिया है टू हाईलाइट देयर जो वर्क्स हैं जो उन्होंने ग्वालियर के डेवलपमेंट के लिए किए हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि रोड परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी जी, वो आज आ रहे हैं एक शिलान्यास के लिए। तो वो उनको दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार के जो मॉडल्स हैं, जो जो हमारा काम हुआ है उसको एक मॉडल के स्वरूप में वो दिखाना चाहते थे ऑन अ स्मॉल स्केल। तो वी डिड दिस फॉर देम। जो भी सारे जो मॉडल जो भी स्मार्ट सिटी ने बिल्डिंग्स करी हुई हैं, जैसे आप एक बार देख सकते हैं, ये ISBT का जो अपकमिंग ISBT का बिल्डिंग है उसका ये डिज़ाइन हम लोगों ने किया हुआ है उनके लिए। थोड़ा सा छोटा सा ये हमारा ग्वालियर फोर्ट है जी, ये हमारे बाड़े के आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं वो हमने हाईलाइट की हैं थ्रू मॉडल। एंड ये जो है ये आपका महल है, महल का जो रोड है वो हमने हाईलाइट किया हुआ है। जो सबसे मेजर प्रोजेक्ट है इन लोग का, 300 करोड़ का जो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं लोग, वो है राजपथ जिसको बोल जी राजपथ बोल रहे हैं। हाँ अभिषेक, आपसे बात करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, और भी इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन होने वाली है, क्या है? हाँ, इसमें भी ऐड ऑन तो कुछ नहीं होने वाला है। इन फ्यूचर वी कैन ऐड कि कुछ और बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट ये करने वाले हैं अगर स्मार्ट सिटी, तो लेकिन ऐड उसके बाद भी फ्यूचर में कर सकते हैं। और इसमें जितने भी बिल्डिंग्स हैं और द्वार्स हैं जो मेन गेट्स होते हैं कोई भी सिटी में वेलकमिंग के लिए, तो चार अलग अलग थीम पे इन्होंने चार द्वार बना रखे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो बेला की बावड़ी है, एक साथ बहुत टेम्पल जो आप हमारा है यहाँ पे उसके आर्किटेक्चर पर बेस्ड ये बना हुआ है। आप वहाँ देख रहे होंगे वो एक आपका जो फोर्ट है हमारा उसके थीम पर बना हुआ है, ठीक है। उसके अलावा ये आपका वो भी आपका बना हुआ तानसेन का द्वार है, वो भी बना हुआ है एक थीम पे। इसके अलावा ये सारे एक स्केल पे हैं, उसके अलावा जो रोड है वो एक अलग स्केल पे है, सारे बिल्डिंग एक अलग स्केल पे है, और पूरा मैप हमने बैकग्राउंड पे रखा हुआ है ग्वालियर का, जो कि ग्वालियर का बैकग्राउंड भी दर्शाएगा, साथ में ग्वालियर का क्या जो एक वाइब है, जो हमारा बेज कलर होता है उसको हमने हाईलाइट किया है एज अ थीम बेस कलर, और इस पर फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हैं। तो सारे स्किल्स अलग अलग रखे हुए हैं, हम इसको कोलाज बना रहे हैं हाईलाइट करने के लिए जो मेजर प्रोजेक्ट्स इनके स्मार्ट सिटी के टिल द डेट। इसके अलावा आप फ्यूचर में जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे दे कैन ऐड ऑन। जैसे कि आज सड़क परिवहन मंत्री है ना नितिन गडकरी जी भी आ रहे हैं, जो एलिवेटेड रोड है उसका इनॉग्रेशन होने वाला शुभारंभ है, और साथ ही है ना ISBT जो है उसका भी शिलान्यास होने वाला है। तो क्या उस जगह उस तरह का भी कोई प्रोजेक्ट इसमें शामिल किया है, जो एलिवेटेड रोड बनेगी उसका भी कुछ अभी किया है कि आगे करने वाले हैं? आज तो ISBT के वहाँ पे आने वाले हैं जो वेन्यू है वहाँ पे, तो हमने पहला हमारा हाईलाइटिंग फीचर अभी जो मॉडल हमने प्रिपेयर किया वो ISBT का किया हुआ है जो कि वहाँ पे प्रपोज्ड है। उसके अलावा तो अभी जो होगा वो हमें पता चलेगा। प्रियांशी, मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में, और ये एक एक चीज़ बारीकी से इसमें ऐड ऑन की गई है, तो कितना समय लगा है, क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड ऑन की गई हैं, कितना कॉस्टिंग इसमें आया है, एक अगर हम बिल्कुल उसमें बात करें, छोटे से उसमें बात करें? जो ये सारी बिल्डिंग्स हैं ये अलग अलग स्केल पे हम लोगों ने पहले डिज़ाइन करी। सबसे पहले जो आप बेस देख रहे हैं ये पूरा ग्वालियर का सैटेलाइट मैप है। okay. इसको हमने पूरा ट्रेस किया है, ठीक है। उसको हमने पूरा जो भी ग्वालियर के हाईलाइटिंग रोड्स हैं वो सब कुछ मार्क किया है। आफ्टर दैट जो ग्वालियर फोर्ट है उसका पूरा जो टेरेन है वो खड़ा किया है, उसके हिसाब से जो बिल्डिंग का स्केल है वो 200-250 ऐसा अलग अलग स्केल पे हमने हाईलाइट किया है। जो भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमने बड़े स्केल पर रखे हैं जिससे वो हाईलाइट हो सके, बाकी हमने कम स्केल पर दिखाया हुआ है। कितना कॉस्टिंग और कितना समय गया है, कितनी मैन पावर इसमें गई हुई है? अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख। ओके, इसमें इस पूरे प्रोजेक्ट में। हाँ, इट टेक्स टाइम बिकॉज सारी चीज़ें जो एक एक आप पेड़ देख रहे हैं वो हाथ से लगाया गया है। okay. वो जो भी ग्रास है सारी चीज़ें वो एक एक लाइन इसमें हाथ से खींची गई है, तो इट टेक्स। तो वैसे देख रहा हूँ मैं और भी कई सारी टीम मेंबर्स यहाँ पे बैठे, तो टोटल मैन पावर इस प्रोजेक्ट में कितनी लगी है? मैं अगर मैन पावर का बात करूँ, जिन लोगों ने सामने से सपोर्ट किया है इट्स लाइक 10 पीपल जो कंटिन्यूसली इस पर वर्क कर रहे थे, और अदर देन दैट बहुत सारे लोग जो पीछे से हमें सपोर्ट कर रहे थे, मैं मानूंगी वो 50 लोग थे जो अलग अलग जगह पर हमें सपोर्ट किए हैं टू कम्प्लीट दिस ऑन टाइम। ओके, और कितना समय लगा इसको बनाने में? इट टुक
14 days and a lot of work, hard work. Nice. और ये एक्चुअली देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है. अगर आप देखेंगे इसको आके तो आपको एक एक चीज बहुत ही बारीक से आपको इसमें देखने को मिल जाएगी. जैसा कि इन्होंने बोला कि इसको पूरा इंग्रेव किया गया है, राइट? एक एक जो गली है ग्वालियर शहर की, एक एक जो गली है उसका पूरा नक्शा इन्होंने इस शीट पे, इन्होंने बकायदा इस पे बनाया गया है 3D प्रिंटिंग के द्वारा, राइट? लेजर प्रिंटिंग के द्वारा. जो ISBT का भी प्रोजेक्ट है वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा. साथ में कई सारे नए द्वार जो बनने वाले हैं वो भी इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे. और ये जो एक राजपथ जो कि अशेश्वर मंदिर के पास में पूरा रोड है जो कि सिंधिया महल से भी निकलता है, वहाँ पे कटोरा ताल भी है, और तो वो जगह का इस रोड को यहाँ पर बताया गया है और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको बनाया भी गया है. अभी फिलहाल इसको और भी तरीके से लोग बना रहे हैं क्योंकि सामने कुछ और भी बनता हुआ दिख रहा है मेरे को. वो है क्या ये तो मेरे को पता नहीं. अब देखो लाइट भी आ गई है और लाइट भी आपको इसमें जलती हुई दिख रही, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बहुत ही बारीक से इसको बनाया गया है. और आई विश प्रियांशी एंड अभिषेक टू बोथ ऑफ यू को बहुत अच्छे से इसको बनाए और इस प्रोजेक्ट को और भी अच्छे से आप लोग बनाएं और भी जो भी बारीकियां इसमें रहेंगी वो भी ऐड ऑन करें. और कब ये दिखाने वाले हैं? आज नितिन गडकरी जी आ रहे हैं तो उस जगह पर हम उनको पूरा एक्सप्लेन करेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में. बेस्ट ऑफ लक इसके लिए भी और बेस्ट ऑफ लक इस प्रोजेक्ट के लिए भी और बेस्ट ऑफ लक पूरी टीम को. और ये था एक ऑनटू डॉट जेनेसिस जो कंपनी है जिसके फाउंडर्स हैं प्रियांशी और अभिषेक, इन दोनों ने मिलकर ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रोजेक्ट बनाया है. आप देख रहे हैं ग्वालियर इंपैक्ट. मैं हूं अभी वर्मा. नमस्कार, धन्यवाद.